नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह आप सब नोटबुक से जुड़ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, वह हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है। यही कारण है कि हम नए पाठों पर चर्चा करने के लिए हमेशा व्यग्र रहते हैं। आगे भी आप सबका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ एक नए पाठ पर हम आज चर्चा करते हैं। बच्चों, आजकल आप कई वर्तमान समस्याओं के बारे में चर्चा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन समस्याओं को अपने निजी जीवन में झेलते भी हैं। इन समस्याओं में मुख्य है वैश्विक तापमान, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, नए नए रोग, भूकंप, बेवक्त की बरसात, बाढ़, तूफान आदि। यदि हम इन समस्याओं की जड़ में जाएं तो पता चलेगा कि इनका एक ही कारण है, मनुष्य और प्रकृति के बीच बिगड़ते रिश्ते, पशु पक्षियों के लिए सिमटते जंगल, प्रकृति का अत्यधिक शोषण एवं दोहन। बच्चों, यह पृथ्वी जितनी हम इंसानों की है, उतनी ही पशु पक्षियों की भी है। वे भी इस मिट्टी, हवा, पानी आदि में उतने ही हिस्सेदार हैं जितना कि हम। अतः उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, उनके पनाहगार पेड़ों को काटना, जंगलों को लगातार खत्म करना, ये सभी हम मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही खिलवाड़ है। इन्हीं समस्याओं पर आधारित है हमारा पाठ। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। लेकिन पाठ शुरू करने के पहले हम बात करेंगे लेखक पर, क्योंकि जब तक हम लेखक के मिजाज से परिचित नहीं हो जाते, पाठ अधूरा रह जाता है। निदा फाजली का पूरा नाम मुक्तदा हसन निदा फाजली है। निदा का अर्थ है आवाज और फाजली कश्मीर का फाजिला नामक इलाका है, जहां से इनके पुरखे आए थे। निदा फाजली अपनी सरल भाषा में किसी भी विषय को बयान कर देने के लिए मशहूर है। ये भाषा में चमत्कार की जगह स्पष्टता में विश्वास करते थे। बिना लाग लपेट के दुरूह से दुरूह विषय को भी आसानी से व्यक्त कर देना इनकी भाषा की मुख्य विशेषता है। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को ग्वालियर नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम मुर्तजा हसन और माता का नाम जमील फातिमा था। इनके काव्य संग्रह हैं मोर नाच, लफ्जों के फूल, आंख और ख्वाब के दरमियां, खोया हुआ सा कुछ, आंखों भर आकाश, सफर में धूप तो होगी। खोया हुआ सा कुछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखा है, जिनमें मुलाकातें, तमाशा मेरे आगे आदि हैं। निदा फाजली ने कई हिंदी फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इनका रचना संसार काफी विस्तृत है। निदा फाजली ने सूरदास, कबीरदास एवं तुलसीदास को काफी पढ़ा था, अतः वे अपनी भाषाई स्पष्टता का श्रेय इन्हें भी देना चाहेंगे। बच्चों, अब तक हमने लेखक के जीवन एवं रचनाओं पर बात की, अब हम कहानी पर चर्चा करते हैं। निदा फाजली द्वारा रचित यह पाठ अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले कई पौराणिक तथा आधुनिक कहानियों का एक ऐसा कोलाज है, जो प्राचीन जगत के सौंदर्य को आधुनिक जगत के रेगिस्तान से जोड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है सुलेमान नामक एक बादशाह से, जिसे केवल इंसानों का ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का भी हाकिम कहा जाता था। वे जीव जंतुओं की भी भाषा जानते थे। एक बार वे अपनी फौज के साथ कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में चींटियों ने डर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भागो, फौज आ रही है। उनकी बातें सुनकर सुलेमान रुक गए और उन्होंने कहा, डरो मत, मुझे खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मुसीबत नहीं। चींटियों ने उनकी बात सुनकर उन्हें दुआ दी। यह कहानी एक सच्चे प्रजातंत्र की मिसाल स्थापित करती है कि एक राजा के लिए उसके राज्य के पशु पक्षी भी प्रजा के ही समान है। यहाँ राजा का अस्तित्व प्रजा की सेवा से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। दूसरी कहानी में सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिता का जिक्र है। एक बार वे कुएं पर नहाने गए थे। नहाकर जब वे घर में खाना खाने बैठे, तब उन्होंने अपने बाजू पर एक चींटे को रेंगते हुए पाया। वे तुरंत खाना छोड़कर उस कुएं की तरफ भागे जहाँ वे नहा रहे थे और जहाँ से यह चींटा उनके शरीर पर चढ़ाया था। पत्नी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे एक घर वाले को बेघर कर दिए हैं। धन्य है ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए भी इतना अधिक प्रेम भरा हुआ है कि भोजन छोड़कर एक चींटे को उसके घर पर
छोड़ने जाते हैं।